और रुख करते हैं पीथमपुर की तरफ, जहां फर्जी वोटिंग को लेकर हंगामा देखने को मिला है। बूथ नंबर 43 और 44 में फर्जी वोटिंग पर विवाद खड़ा हो गया। प्रत्याशी कार्यकर्ता और पुलिस में नोकझोंक भी देखने को मिली है। बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने इसके बाद मोर्चा संभाला और पुलिस ने मतदान केंद्र से पूरी भीड़ को हटाया। इस मामले में और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीथमपुर से सहयोगी दीपक उपाध्याय। दीपक, बताइए क्या है पूरा मामला और कैसे हुई ये हंगामा? देखिए, बता दूं आपको कि सुबह 7 बजे से पीथमपुर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है, और यहाँ 31 वार्ड है जहाँ पर सुबह 7 बजे से मतदान जो है हर पोलिंग बूथों पर जारी है, और लगभग 12 बजे ये जो वार्ड क्रमांक 13 के प्रत्याशी हैं मुकेश पटेल, उनके अभ्यर्थी हैं हरीश पटेल को जानकारी मिली कि पोलिंग बूथ क्रमांक 43 और 44 वैष्णो कैंपस स्कूल सेक्टर नंबर 1 वैष्णो कॉलोनी के अंदर फर्जी वोटिंग और एक वोट जो है डिलीट हो गया है। तो इस बात को लेकर वह अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोका। पुलिस ने समझाइश दी कि किसी को भी अंदर आने का अधिकार नहीं है। इस बात को लेकर जो है नोकझोंक देखने को मिली, आपस में आपसी नोकझोंक हुई पुलिस के साथ और अभ्यर्थी के साथ। इसके बाद पुलिस को सूचना जैसे ही मिली तो CSP तरुणेन्द्र सिंह बघेल और थाना प्रभारी लोकेश भदौरिया और पूरी पुलिस महकमा जो है वहां पहुंचा उस पोलिंग बूथ पर और आसपास भीड़ को हटाया। बताते चले आपको कि ऐसे कई हल्के फुल्के जो है वाद विवाद जो है कुछ ना कुछ पोलिंग बूथों पर देखने को मिल रहा है, और ये अब 23 जनवरी को सभी प्रत्याशी 100 से अधिक प्रत्याशी लड़ रहे हैं और 31 वार्ड है। 93,000 से अधिक मतदाता जो है इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे।